The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपकी आंखों के बारे में। हाँ, आपके डोड़े तुमसे दौड़ा, मराठी मुझे जितनी आती है उतनी आती है। तो आंखों के बारे में बात करेंगे। आंखें भाई क्यों बात करेंगे, क्योंकि अब सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। जो वर्क नहीं कर रहा है वो फिर भी आंखें तो वो देख ही रहा है। क्या देख रहा है? स्क्रीन देख रहा है, नेटफ्लिक्स देख रहा है, टीवी देख रहा है, न्यूज़ देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, टिकटॉक, यूट्यूब, पता नहीं क्या क्या देख रहा है सुबह से शाम तक। कोई ऑन एन एवरेज 8 से 20 घंटे, जी हाँ 20 घंटे बिताने वाले भी लोग हैं, जो 20 घंटे 8 से 20 घंटे, एवरेज 12 घंटे आप लोग स्क्रीन के ऊपर, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, किसी ना किसी स्क्रीन के ऊपर बिता रहे हैं। तो ये चीज़ आपकी आंखों के लिए एक्चुअली हानिकारक है। सो कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे अपनी आंखों को? तो ऑप्थेल्मोलॉजी के इंटरनेशनल एकेडमी ने आपको इसकी हिदायत दी है कि आपको देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसमें हो जाती है आई स्ट्रेन। आंखों पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है, ड्राई आई, ड्राइनेस हो जाती है आंखों में, आंखों के अंदर ब्लड, आंखों का प्रेशर जो है, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, ये सब होने लगते हैं। आपको नींद नहीं आएगी, इंसोमनिया, हेडेक्स, जी हाँ, तो छोटी बातें नहीं है, स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। इट्स वेरी 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 प्रॉब्लमैटिक अगर आप इसके लिए जागरूक नहीं है, अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ छोटे मोटे ट्रिक्स हैं, छोटे मोटे टिप्स हैं जो आप करके लिटरली अपनी आंखों को बचा सकते हैं। सो ऐसे कौन से चीज़ें हैं? सबसे पहले बहुत कोई एक्सपेंसिव ग्लासेस या सन ग्लासेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ना ही किसी प्रकार के कोई शील्ड लगानी है आपको। कुछ बेसिक चीज़ें करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ब्लू लाइट फिल्टर्स बिल्कुल थोड़े से काम करते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं। ब्लू लाइट फिल्टर्स आर नो मोर इफेक्टिव एट रिड्यूसिंग द सिम्टम्स ऑफ आई स्ट्रेन देन अ न्यूट्रल फिल्टर। तो कोई भी फिल्टर हो, न्यूट्रल फिल्टर हो, ब्लू लाइट फिल्टर हो, फिल्टर है, तो फिल्टर रखना अच्छी बात है कोई भी। इंस्टेड ऑफ दैट, उसकी जगह अगर आप इन्वायरमेंट चेंज कर दोगे आपका, तो बहुत फायदा होगा। इन्वायरमेंट का मतलब क्या? नंबर वन की फैक्टर, कीप योर डिस्टेंस। आंखों को, द आईज एक्चुअली हैव टू वर्क हार्ड अगर चीज बहुत पास हो तो बहुत पास नहीं रखनी है, राइट, बहुत दूर नहीं रखनी है, एक बेस्ट डिस्टेंस में रखना है। तो ट्राई कीपिंग द मॉनिटर ऑफ द स्क्रीन एट एन आर्म्स लेंथ, यानी इतने दूर, ठीक है, आर्म्स लेंथ, पूरा ऐसा स्ट्रेट नहीं करने की जरूरत, आराम से, दैट्स द आर्म्स लेंथ प्रॉपर। अपना कंप्यूटर, अपना ये, अपना मोबाइल फोन, जो भी आप रख रहे हो उसको अपने आर्म के लेंथ पे रखना है, इतना दूर, नॉट लाइक दिस, इतना, थोड़ा दूर। तो थोड़ा दूर रखें आर्म्स लेंथ पे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। और आपको जो स्क्रीन है उसको ऊपर की तरफ रखना है, यानी ज्यादा ऊपर हो, ताकि आपकी आंखें जो है नीचे की जगह, ऊपर की जगह थोड़ा सा नीचे देख रही हो, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा नीचे। तो आप आइडियली जो ऊपर वाला स्क्रीन है, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, उसको, उसका, वो आपके सर पे आना चाहिए, हेड पे ऐसा होना चाहिए, दैट्स हाउ इट इज। सो योर आईज शुड बी स्लाइटली टिल्टेड डाउनवर्ड्स। फिर ग्लेयर कम करिए। ग्लास स्क्रीन में जैसे लाइट है, लाइट पीछे से ग्लेयर मारती है, अगर पीछे मार जो लाइट है वो सीधा ऐसे चमक मारेगी, और वो ग्लेयर नहीं होनी चाहिए आईज के ऊपर। ग्लेयर बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, वो एग्रवेट करती है आँख को, इरीटेट करती है। सो उसमें आप मैटेड स्क्रीन फिल्टर लगाएं, अगर ऊपर लाइट है और ग्लेयर आती है तो कुछ करें, ग्लेयर खत्म करें। लाइटिंग एडजस्ट कर सकते हो, वो अच्छी बात है। अगर स्क्रीन बहुत ज़्यादा ब्राइट है तो स्क्रीन की लाइटिंग एडजस्ट करिए, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम करिए, आपकी आईज को ज़्यादा काम करना पड़ेगा अगर ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा कर दी या ब्राइटनेस बहुत कम कर दी। आप रूम की लाइट कम कर सकते हैं या रूम की लाइट एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप ब्राइटनेस कम कर रहे हैं और दिखने में कुछ इशू आ रहा है। सो रूम की लाइट और स्क्रीन की लाइट दोनों एडजस्ट करना होता है, ताकि आपकी आंखों में मिनिमम स्ट्रेस पड़े, स्ट्रेन पड़े।
और सब दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेक देना पड़ेगा आंखों को, गिव योर आईज अ ब्रेक, रिमेंबर कि आपको ब्लिंक करते रहना है, ब्लिंकिंग इज इंपॉर्टेंट, और इसमें 20-20-20 रूल फॉलो करिए, 20-20-20, 20-20-20, क्या 20, टेक अ ब्रेक एवरी 20 मिनट्स, लुक एट एन ऑब्जेक्ट 20 फीट अवे फॉर 20 सेकेंड्स, सिंपल, हर 20 मिनट में 20 फुट दूर वाली चीज को 20 सेकेंड तक देखिए, हरी चीज होगी तो और अच्छा, लुकिंग इन टू अ डिस्टेंस विच अलाउ योर आईज टू रिलैक्स, या खिड़की है तो खिड़की से बाहर देख लो, पेड़ है पेड़ को देख लो, उसमें पत्तियों को देख लो, उसमें गिलहरी है गिलहरी को देख लो, क्या है क्या नहीं है जो मिल जाए आपको वहां पे, कोई तितली है तितली को देख लो, है ना, दैट्स हाउ यू कैन डू, कीप आईज मॉइस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप आंखें अगर ड्राई हो रही हैं तो उसको मॉइस्ट रखना है, उसके लिए आर्टिफिशियल टीयर्स यूज कर सकते हैं, है लुब्रिकेंट के हिसाब से आंखों को, और डेस्कटॉप ह्यूमिडिफायर आता है जो डेस्कटॉप के आसपास ह्यूमिडिटी बना के रखते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल इन्वायरमेंट रहता है जो मॉइस्चर सक आउट कर लेते हैं, सो ह्यूमिडिटी कंट्रोल इन्वायरमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया जो दिक्कत कर सकता है कि अगर मॉइस्चर हटा दोगे तो आइस ड्राई हो जाएगी ना, सो दैट इज देयर, सेम काम आपका विंटर में हीटर करता है, हीटर कैन फर्दर ड्राई योर आइज, सो दैट इज देयर, नाइट मोड ऑन कर सकते हो, यस दैट इज देयर, और सबसे इम्पॉर्टेंट है आंखें रात का इम्पॉर्टेंट, आईज रात में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होती है, तो रात में आईज जो है यूज़ करते हो, अगर कोई स्क्रीन कायदे से तो मत करो, नाइट मोड चालू कर दो, डार्क स्क्रीन कर दो, ब्लैक थीम कर दो, पूरी ब्राइटनेस लो कर दो, या मत ही देखो, सबसे अच्छा तो मत ही देखो, देर इज एन एविडेंस दैट ब्लू लाइट कैन अफेक्ट योर बॉडी सर्केडियन रिदम ऑल्सो, नेचुरल वेक स्लीप साइकिल ऑल्सो, इस चक्कर में रात को नहीं सोते दिन भर सोते, ऐसी तैसी होती है, और ऐसी लाइने में डार्क सर्कल्स आनी शुरू हो जाएगा, ब्लैक डार्क थके थके लगेंगे आईज, सो बिना नाइट ड्यूटी के नाइट ड्यूटी जैसे हाल हो जाएंगे आपके, दैट इज देयर, सो ड्यूरिंग द डे इतना दिक्कत नहीं होती, लाइट नाइट में बहुत दिक्कत है, तो स्क्रीन टाइम कम करें या लिमिट करें, 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा अगर करना ही है तो, ऐसा नहीं कि रात में लगे पड़े हैं, राइट, नाइट सेटिंग्स यूज कर सकते हैं, और ये सारा काम अगर सारे कुछ करेंगे तो आपके ओवरऑल आई स्ट्रेन कम से कम हो जाएगा, आई स्ट्रेन कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, और इट कैन बिकम, इट नॉर्मली तो सीरियस चीज नहीं है बट इट कैन बी वेरी ट्रबलसम, या आपकी जैसे हमने कहा रिलैक्सेशन, स्ट्रेस, कॉर्टिसोल, स्लीप साइकिल, बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम कर सकती है, मोटापा बढ़ा सकती है, बीमारियों को फ्लेयर कर सकती है, इम्यूनिटी कम कर सकती है, तो नॉट गुड, सो प्लीज़ 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 अगर ये आपको टिप समझ आई है तो इसको आगे फैलाइए, लोगों को बताइए, आंखों को बचाइए, आंखों के मसल इम्बैलेंस से, आंखों के अंदर आंखों का चेकअप करना ज़रूरी है, अनकरेक्टेड विजन प्रॉब्लम अगर है तो वो बहुत ज़रूरी है, आंखों के अंदर विजन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रिमेंबर बेसिक सबसे ज़रूरी है, आंखों के अंदर याद रखिए विजन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आंखें रेगुलर चेकअप करना है, नींद अच्छी लेनी है, सोना अच्छा है, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बता रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आप अपनी आंखों को आराम से बचा पाएंगे, सो नींद अच्छी, डाइट अच्छी, फ्रूट्स अच्छे, पानी अच्छा, और स्ट्रेस नहीं, आईज को रिलैक्सेशन देना है, दैट इज़ वेरी वेरी गुड, सो इतना चीज़ करेंगे, घर में आप अपना काम धंधे भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, और अपनी आंखों को भी बचा सकते हैं, खुद की आंखों के लिए, दूसरों की आंखों के लिए ये वीडियो जितनी हो सके शेयर करिए, लोगों को बताइए, और ड्राई आई अगर हो रहा है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाइए, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आई डॉक्टर, या मीन वाइल अभी अगर लॉकडाउन के चलते फंसे हो नहीं जा पा रहे हो तो फिर आई में जैसे हमने टीयर ड्रॉप्स बताया, आर्टिफिशियल टीयर्स वो ले आइए मेडिकल स्टोर से, वो डाला करो सुबह दोपहर शाम, आंखों को आराम दिया करो, और 20-20-20 रूल्स याद रखना, 20 मिनट में 20 सेकेंड का गैप, 20 मिनट में 20 सेकेंड तक 20 फीट दूर वाली चीज़ को देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, नाइट मोड्स का मतलब ये नहीं है कि रात भर देख सकते हैं कुछ नहीं होगा, नहीं, नाइट मोड भी डैमेज करती है, तो नाइट मोड चालू करो, जी हाँ ब्राइटनेस कम करो, स्क्रीन दूर करो, लेकिन लिमिट करो टाइम को जितना हो सके कम से कम, ऑल राइट, थैंक यू सो मच, और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए आप किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जाके डिस्कस कर सकते हो आपके पर्टिकुलर केस के बारे में, थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, आई एम डॉक्टर परमजीत,
एंड यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन. याद रखिए, हम आपको बेसिक मेडिकल जानकारी देते हैं सिंप्लीफाइड तरीके से.